प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय पे आज आप दे रहे हैं? पहले तो मैं मीडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर, मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मसला ये है कि मैं रियासत के रियासत जम्मू कश्मीर का सदर हूँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ। राष्ट्रीय जनता पार्टी का सदर हूँ यहाँ पर। तो मैंने सिक्योरिटी का पहले भी इनसे एप्लीकेशन दी थी, मैं तो इनने अभी तक मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं और आईजी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले यहाँ पर। ये पहाड़ी एरिया जो हमारा है, तो हम चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बाकी हम ये जो मैं इस पद पर इस वक्त जो हूँ, तो हम चाहते हैं हमारी पार्टी ने ये जो हमारी जो पार्लियामेंट की 6 सीटें हैं, इन पर हमें इलेक्शन लड़ना है, और असम्बली की जो 87 सीटें हैं, उन पर भी हमें इलेक्शन लड़ना है। हम चाहते हैं कि लोगों के जो आज तक धोखा हुआ है हर पार्टी ने, तो हम चाहते हैं हर पार्टी हमारे साथ दे, और हमारा जो मंशूर है, हम इस ज़मीनी सतह पर जो काम करेंगे गरीबों के हक में करेंगे और गरीब आम के हक में करेंगे। जो भी काम है, जो भी मसाइल है, हम वो करेंगे और गरीबों के काम, गरीबों के हित की बात करेंगे। सर, 35 एकड़ मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है? 35 एकड़ का मसला ये है कि हम चाहते हैं कि 35 एकड़ का जो मसला हमारा है जम्मू कश्मीर का, 35 एकड़ में हम छेड़छाड़ होने नहीं देंगे और ना इसको हम बर्दाश्त करेंगे। लोगों ने कहा है कि हम लोग सब सड़कों में आएंगे अगर 35 एकड़ के खिलाफ कोई छेड़छाड़ हुई या दफा 370 के खिलाफ, तो लोग सड़कों पर आएंगे। आखिर क्या वजह है कि आपको 35 से यहाँ से हटाना नहीं चाहते? ये हमारा जो मसला है 35 एकड़ का और दफा 370, ये हमारा बुनियादी हक है। ये 50-60 साल से पहले जो महाराजों के वक्त से हुआ है, तो आज जो इस कुछ अनासिर हैं, कुछ पार्टियां हैं जो चाहते हैं इसको तोड़ना, हम नहीं चाहते कि हम इसको मतलब यहाँ पर इसको हटाया जाए। जो पहले इन्होंने कहा, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब भी अब फिर यहाँ के जो नौजवान हमारा इस वक्त भी बेरोज़गार है और उससे ज़्यादा यहाँ पर बेरोज़गारी हो जाए, क्योंकि जब 35 ए जो यहाँ से हटेगा या दफ़ा 300, फिर तो बाहर से भी नौकरी जो भी आएगा, मकान भी खरीदेगा यहाँ पर, ज़मीन भी खरीदेगा, शादी भी करेगा, और जो भी यहाँ उनके हकूक यहाँ के बच्चों के हैं वो छीने जाएंगे सारे। किश्तवाड़ की सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है खुलेआम आतंक, या कहें तो अज्ञात लोग जो है इस तरीके से हरकतें, जो कल ही एक घटना सामने आई। हम इस चीज़ की पूरी मजम्मत करते हैं, नहीं होने चाहिए ऐसे जो ये जो वक्त पर ये हो रहे हैं जो यहाँ पर, तो हम नहीं चाहते ऐसे मसले होने चाहिए। ये हमारे जो SSP साहब हैं या यहाँ की जो भी जिम्मेवार जो हमारी एडमिशन है, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है, इसको सुरक्षा करना इनका फर्ज बनता है।